Welcome to Rajendra's eyes. So, let me first figure it out whether we are live or not. Okay, we are about to start this session. Welcome to IS. Okay, so we are live now. So, as you know, on uh, like day after you know the the Hindu is not published. Okay, so today we are going to cover different newspaper under the banner of the Hindu. सो so, आज जो है द हिंदू पब्लिश नहीं होता है रीजन बीइंग क्योंकि कल दशहरा था ठीक है ना न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ओके सो वी विल कंटिन्यू आर स्टडी हम जो है अपना काम जरूर कवर करेंगे ओके सो अनुज गुड मॉर्निंग सोना गुड मॉर्निंग रंजना गुड मॉर्निंग सफिशंट पीपल ऑफ सफिश नंबर ऑफ पीपल हैव ज्वाइंड आई गेस सो लेट मी वेट फॉर वन और टू मोर मिनट्स सो बेसिकली आई हैव कवर डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ सो हे फ्यू आर्टिकल्स आर टेकन फ्रॉम Indian editor, Indian Express, and Financial Express have been covered. Okay, then apart from that, there are multiple magazines also. I found few things in magazines, so I have covered those also. So virus, good morning, Nancy. Good morning, Emmy. Good morning. So let's wait for one more minute. So you people are getting the notification or not? Vaishnavi, good morning. Uh, Samarnika, good morning. Ravinder, good morning. So have you got the notification? Sona, good morning. I hope you people have got the notification because few of them were not getting the notification and all. Okay, they were facing some issues. So good morning, Aditi. So we are about to start this session today. It will be a sh short session as the Hindu is not there. So I will be picking up only the news thing. Okay, and you will get the PDF. Uh, Priyanka, yesterday evening there was no session. Yes, yesterday evening there was there was no section. Uh, <coughs> not say. Se <coughs> so yesterday i was you know like i was giving time to myself you can say good morning honey priyanka good morning ravinder okay you have got the notification okay 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 mahesh good morning so uh, raju good morning shilpi good morning okay good morning anuraj okay so let's start this session we will be covering the only the news thing whatever things were there in the news we will cover that

कार्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट ओके तो उसको फाइनेंशियल एसेट के तौर पे वो यूज करेंगे टू टेक लोन एंड ऑल ठीक है ना लोन वगैरह लेने के लिए जो है उसका यूज करेंगे वो बट द रियलिटी इज दिस फार्मर्स आइडिया अबाउट हाउ टू यूज दैट ओके वो प्रॉब्लमैटिक चीज है यहाँ पे वो मेजरली प्रॉब्लम हो गई है उससे ठीक है ना कि फार्मर्स को पता ही नहीं है करना क्या है सो अपार्ट फ्रॉम दैट उनको जो उसकी यूटिलिटी है ओके दैट शुड हैव आल्सो बीन यू नो एक्सप्लेन यूटिलिटी एग्जैक्टली व्हाई आर वी व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दैट सो स्वमित्व कार्ड एग्जैक्टली उनके पास उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे यू हैव जस्ट प्रोवाइडेड एन अनदर कार्ड उनके पास उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो होंगे आपने बस एक एडिशनल कार्ड प्रोवाइड कर दिया अब उसका करेंगे क्या कोई उसके बारे में कोई बात उनको नहीं पता ओके okay. अब लोन ना लेना हो तो उसको क्या, वो क्या करेगा सपोज इफ आई डोंट वांट अ लोन तो व्हाट विल आई डू विद दैट ओके तो मेरे लिए कुछ खास यूटिलिटी उसकी नहीं है डरस्टैंड ओके सो नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी वहां पे फ्लैमिंगोज आते हैं नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी एंड दिस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश ओके सो दिस यू हैव टू नो ठीक है ना फ्लैमिंग बर्ड ओके वो यहां पे इंडिया के अंदर मिलते नहीं है दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड नीलापटू बर्ड सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश वहां पे जो है वो फ्लमिंग विजिट करते हैं दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स ठीक है ना तो ये थोड़ा बहुत आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है और कौन कौन से स्पीशीज वहां आते हैं देन अपार्ट फ्रॉम दैट रीसाइक गैस फ्रॉम स्टार्स अराउंड आवर मिल्की वे ओके सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो कि मिल्की वे के अराउंड जो है कुछ जो है गैसेस गैसे बन रही हैं कैसे गैसेस बनती हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड सो हेलो सेट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल साइंस मिशन ऑफ नासा दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड उसकी कुछ फाइंडिंग्स जो है यहां पे एक्सपोज हुई हैं कैसे दे हैव ऑब्जर्व दैट मिल्की वे गैलेक्सी इज सराउंडेड बाय क्लंपी हेलो ओके हॉट गैसेज हैं उसके आसपास अब ये हेलो होता क्या एग्जैक्टली इट इज अ लार्ज रीजन फिल्ड विद हॉट गैसेज दैट सराउंड गैलेक्सी ओके और इसको सरकम गैलेक्टिक मीडियम भी कहते हैं ठीक so okay, so है ना एंड फ्रॉम वेयर आर वी गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एग्जैक्टली कहां से हमें जो है ये मिल रही है गैसेज तो दीज गैसेज आर बेसिकली सप्लाइड बाय मेटीरियल इजेक्टेड बाय द बर्थिंग और डाइंग स्टार ओके तो जो स्टार्स अभी नई न्यू बन रहे हैं न्यू बन रहे हैं उनसे भी मिलती है एंड दोज आर डाइंग दे रिलीज फ्यू गैसेज एंड दो ऑक्यूपाई द स्पेस अराउंड द गैलेक्सी उसको बोल देते हैं हम सरकम गैलेक्टिक मीडियम ओके ये आपको पता लग गया और हेलो भी उसको बोल देते हैं ओके एंड हेलो सैट ये नासा का मिशन है दिस इज द डेवलपमेंट दैट दैट यू शुड बी नोइंग ओके ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अच्छा जायंट वुड स्पाइडर ओके जॉइंट वुड स्पाइडर अब एक्जैक्टली exactly स्पाइडर्स के लिए एक फेमस हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इज पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके सो पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र ओके okay? गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो है ये लोकेटेड है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए एंड यहाँ पे स्पाइडर्स बहुत सारी मिलती हैं ओके एंड द वीवर्स हैड ग्राउंड वीवर्स ओके फिर फॉलेज वीवर्स देयर वर ग्राउंड एंड हंटर्स ये स्पाइडर्स कुछ काम करती हैं ठीक है ना वीवर्स भी होती हैं हंटर्स भी होती हैं तो स्पाइडर्स का अपना काम है वाइल्ड एनिमल है वाइल्ड क्रिएचर है ओके okay? तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में पूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और ये गुजरात महाराष्ट्र में है क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व द ट्वेंटी ट्वेंटी प्रलिम्स जो आपका था उसके अंदर द क्वेश्चन वॉज अबाउट स्वैम्प डियर ओके स्वैम्प डियर कहां कहां पे मिलता है तो सेम वे स्पाइडर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे वो एंड दे कैन अबाउट द पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो उसके अंदर पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज एन ऑप्शन डाल देंगे आपको इतनी डेवलपमेंट पता होनी चाहिए ओके okay? सो so, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर लोकेटेड है एडिशनल आपको थोड़ी नॉलेज पता लग गई अच्छा थिक फॉरेस्ट कवर टीक एंड बैम्बू ओके सो so ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए वहां पे ये गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर की बात कर रहा हूं ठीक है ना पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके सो लेट्स मूव अहेड लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल सो लाइक फ्यू पीपल वर आस्किंग रेलेवेंस ऑफ नैम ओके की रेलिवेंस ऑफ नैम नैम कितना रेलिवेंट है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ठीक है ना सो दिस एडिटोरियल हैज बिन रिटन बाय डी राजा ही बिलोंग्स टू सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ओके सो देयर स्टांस इज एंटी कैपिटलिस्ट दिस शुड नो थोड़ा स्टांस इनका एंटी कैपिटलिस्ट रहता है ओके okay? सो so, उस वो डायमेंशन आपको दिखेगी मीन दे आर यू नो आइडियोलॉजिकली एंड ऑल सो वो थोड़ा बहुत इस इसके अंदर आपको मिलेगा बट वी विल स्टडी कि एग्जैक्टली exactly क्या है नैम का कैसे होने वाला है ओके okay? तो देखते हैं अब इसके अंदर ठीक है अच्छा अब आप देखिए इंडिया कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन इवॉल्विंग अ मल्टीपोलर एंड जस्ट वर्ल्ड ओके दिस इज वॉट ही इज सजेस्टिंग अभी इंडिया का भी स्कोप है टाइम जो हमें यह लगता था कि वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स यूनिपोलर वर्ल्ड और उसके बाद जो है अब इंडिया क्या करेगा तो वो थोड़ी डिबेट इन्होंने बताई है ओके सो इंडिया हैज टू परस्यू द इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी फॉरन पॉलिसी शुड नॉट बी यू नो डिपेंडेंट ऑन आईदर यूएस ओके और एनी अदर कंट्री ओके सो वी शुड हैव इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए ठीक है ना अच्छा अब आपको इसके अंदर देखना है कि ये कहते क्या है देखो प्रेजेंट सिनेरियो वर्ल्ड ओवर में क्या चल रहा है सो वी हैव इंडिया चाइना क्राइसिस इन लद्दाख ओके एंड इजराइल इज वेरी इजराइल वाज वेरी अग्रेसिव यू नो इन वेस्ट बैंक एंड ऑल टू ऑक्यूपाई द पैलेस्टीनियन टेरिटरी एंड ऑल वो वहां पे चल रहा था उनका वैसा सिस्टम तो प्रेजेंटली चल रहा था मल्टीपल okay. टाइम so, okay, आपको इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी आंसर लिखना हो वहां पर फ्रांसिस फुकोयामा के स्टेटमेंट आप लिख सकते हो आफ्टर द डिसंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन फ्रांसिस फुकोयामा दैट this is end of the history means that now there will be only one ideology because us was the only country which left okay exactly ek jo hai aapka us ek country reh gaya tha theek hai na major country अब आइडियोलॉजिकली कहते हैं कि कहानी खत्म हो गई थी उसके बाद कोई भी debate ideology के base पे नहीं होगी means अर्लियर देर वॉज अ डिबेट बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म वर्सिज यू नो सोशलिज्म सोशलिज्म फ्रॉम कॉम्युनिस्ट कम्युनिज्म तो अब कम्युनिज्म इतना ज्यादा चल नहीं है तो बोल रहे थे कि आइडियोलॉजिकल डिबेट ग्लोबल पॉलिटिक्स से एकदम इरेवेंट हो गई थी आफ्टर द नाइनटीन नाइनटीज ओके अच्छा बिकॉज द वर्ल्ड एंडेड अप एज अ यूनिपोलर वर्ल्ड एग्जैक्टली सब कुछ खत्म हो गया था और कैपिटलिज्म जो है वो फ्लरिश कर रहा था ओके एंड देर और फ्यू थिंग्स विच एमर्ज ओके वन वॉज दैट नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो यहां पे सिक्योरिटी वॉर उसको लेके भी नई कहानी बनी थी क्योंकि नाइन इलेवन हो गया था अब नन आफ्टर दैट वी हैव ट्वेंटी सिक्स इलेवन ऑल्सो द टू थाउजेंड एट ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्कडाउन इट एक्सपोज द रियलिटीज ऑफ नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ओके नाउ वट इज दिस नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस ओके गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन अपनी बिल्कुल कम कर देगी ठीक है ना ये था आपका नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एंड फोकस विल बी ऑन रेगुलेशन ओके कि रेगुलेट करेंगे हम ठीक है ना मतलब कैसे डायरेक्टली जो है हम रेगुलेशन तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू हैव अ फेयर प्ले बट वो सिस्टम भी एक्सपोज हो गया 2008 के अंदर वी में आप ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द रे, 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 रेगुलेटरी इवन द रेगुलेटरी फेल्ड क्योंकि बैंक ने इतनी गड़बड़ कर दी थी ओके? कि आपका पूरा पूरा एकदम इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छे से चलेगी फिर एकदम स्लो डाउन आ जाएगा ओके पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड एग्जैक्टली ट वट हैज हैपन्ड ऐसा ही हुआ था वहां पर ओके देन अगेन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन जो आपका स्टेट है सरकार है जो उसका रोल अभी भी इंपॉर्टेंट रह गया है एट द एंड ऑफ द डे बहुत से फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैं जिनको जो है गवर्नमेंट ने बेल आउट किया है प्रेजेंटली येस बैंक क्राइसिस हुआ था तो यहां पे गवर्नमेंट फंड लगाया उसके अंदर ओके दिस इज द रियलिटी दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड मींस आप गवर्नमेंट को रूल आउट नहीं कर सकते ऐसा ये कह रहे हैं ठीक है ना तो ये कहानी अब तक यहां बनी देन ही केम बैक टू द जियोपॉलिटिकल थिंग ओके जियोपॉलिटिकल थिंग में क्या कह रहे हैं देखिए सो लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करता है वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको भी इंडिया और चाइना के साथ एडजस्ट होना पड़ा कैसे देखो अर्लियर जो है सिर्फ एट रिचेस्ट कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड की

एफ्रीकन कंट्रीज उनका कुछ भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है ओके, इकोनॉमी एंड देयर सिस्टम विल बी यू नो एट द मर्सी ऑफ रिच कंट्रीज दिस इज द रियलिटी तो बात ऐसी है कि दोज कंट्रीज नीड सम रिप्रेजेंटेशन ओके okay? दोज पुरेस्ट कंट्रीज नीड सम रिप्रेजेंटेशन एंड इंडिया कैन प्ले अ प्रोएएक्टिव रोल अब इंडिया वहाँ पर बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकता है उनको रिप्रेजेंटेशन देने में इन इंटरनेशनल ब्लॉक्स ओके मल्टीपल इंटरनेशनल ब्लॉक्स हैं वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इंडिया उनको दे सकता है ठीक है ना एंड दैट्स वाई नैम इज स्टिल इम्पोर्टेंट बिकॉज नैम के अंदर सारे के सारे गरीब देश हैं मीन्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नॉट वेल टू डू ठीक है well do, ना ये आपको समझना पड़ेगा ओके okay? सो so, ये जो सिस्टम था ये अंडर थ्रेट हुआ देन देर वॉज राइज ऑफ चाइना ओके एंड प्रेजेंटली

So, वही सैनैरियो अगर बनता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देन वी माइट है ऐसा होगा ही होगा ठीक है ना अब बात ऐसी इंडियाज जो गवर्नमेंट फॉरन पॉलिसी रही है ओके वी हैव अ टिल्ड टुवर्ड्स यूएस दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अबरल फ्रेमवर्क ओके तो नियो लिबरल फ्रेमवर्क के ऊपर हमारा थोड़ा है वी ऑल्सो वॉन्ट यू नो मार्केट इकोनॉमी टू ग्रो वी आर प्रेजिडेंट हिमसेल्फ है सेट दैट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस तो वो यही तो एंगल है ओके okay? तो ये हमारा स्टांस अब तक रहा है वेन यू आर टिल्टिंग टूवर्ड्स अमेरिका ओके इट माइट इम्पैक्ट योर इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट जो हैं वो बेसिकली अमेरिकन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अलाइन करेंगे ओके एंड व्हाट ही इज सेइंग दैट इफ वी यू नो कोटेल आर इंटरेस्ट विद अमेरिकन इंटरेस्ट देन इट माइट बी डिजास्टर्स फॉर अस क्यों डिजास्टर्स होगा यूएस की एक जिसे बोलते हैं ना कि एक उनकी फितरत है कि उसको मजा आता है पंगा लेने में ओके सी यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक यू हैज नियर अबाउट टेन टू ट्वेल्व एयरक्राफ्ट कैरियर्स ओके यूएस हैज हैजूज मिलिट्री बजट सब कुछ बहुत ज्यादा है उनके साथ तो वो किसी से भी जाके पंगा ले सकते हैं वी कान डू दैट दिस इज द रियलिटी ओके एंड चाइना इज आर नेबर चाइना इज नॉट यूएस नेबर वो यूएस का नेबर नहीं है लेकिन इंडिया का नेबर है सो आर यू नो इंटरनल पॉलिटिक्स एंड ऑल विल बी डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय दैट ओके सो ये आपको समझना है एंड यूएस माइट ड्रैग इंडिया इन टू द कंफ्लिक विद चाइना और यही इन्होंने बताया है ओके सो अंडर दैट सिचुएशन वी नीड टू प्रोटेक्ट आर ऑटोनोमस फॉरन पॉलिसी ओके उसको तो हमें एक तरीके से बचाना ही बचाना है देन अपार्ट फ्रॉम देट देर आर लेबर राइट्स ऑल्सो ओके वो सारे एंगल आते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के राइट्स होते हैं ओके okay? एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे कंसर्नस हैं जहाँ पे आर इंटरेस्ट एंड यू एस इंटरेस्ट जो है वो एकदम अपार्ट है ओके okay? एंड हमारे इंटरेस्ट ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ अलाइन होते हैं तो वी हैव टू यू नो अपल्ड देर इंटरेस्ट वी हैव टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू दैम ये जो है कहानी इन्होंने एक तरीके से बताई है ओके okay? सो इंडिया में रिजेक्ट बोथ द यूनिपोलैरिटी ऑफ नाइनटीन नाइनटीज एंड बाई पोलैरिटी ऑफ करंट सिस्टम डोमिनेटेड बाई यू एस एंड चाइना ये एक तरीके से इन्होंने बताया है ओके देन हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ओके सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अश्योर करना है कि आर फॉरन पॉलिसी विल रिमेन इंडिपेंडेंट ओके एंड इट विल बिकम मोर इंक्लूसिव द वर्ल्ड विल बिकम मोर इंक्लूसिव एंड वी हैव टू प्ले दैट कंस्ट्रक्टिव रोल कि डेवलप्ड कंट्रीज सबको साथ में लेके चलना है ओके okay? अच्छा अब आपको एक चीज यह समझनी है यहाँ पे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी डिमांड की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को एक मेजर रोल दो ओके एंड दिस डिमांड इज जस्टिफाइड इंडिया की हिस्ट्री साइज इकोनॉमी पोटेंशियल मेजर रोल इंडिया प्ले कर सकता है वी हैव सेवनटीन परसेंट सेवनटीन पॉइंट फोर ग्लोबल पॉपुलेशन ओके सो दे पर्टिकुलर इंटरनेशनल गवर्नेंस यूनिट्स। तो वहाँ पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए ओके सो अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेजेंटली वी हैव बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर ओके जनवरी से हमारा जो है वो पर्टिकुलर टेन्योर स्टार्ट होगा सो वी शुड रिप्रेजेंट दो स्मॉल कंट्रीज और मार्जिनलाइज जो सेक्शन ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स हैं, उनके लिए हमेशा हमें बात करती रहना चाहिए ओके सो दिस इज द रियलिटी वी हैव टू अपहोल्ड देयर इंटरेस्ट देन ओनली वी विल बी एबल टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन फॉर्मिंग अ इंक्लूसिव वर्ल्ड व्यू ये इन्होंने बताया है इन इन दैट सिचुएशन योर नेम इज वेरी क्रिटिकल ओके बिकॉज जितने भी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है वो के अभी भी मेंबर हैं दे आर आर टेकिंग टेकिंग इट इट सीरियसली सीरियसली दो वी नॉट बट दे डू ओके वो उसको अभी भी सीरियसली ले रहे हैं अच्छा अब बात इसके बाद खत्म नहीं होती है सो इंडिया एंड चाइना वी हैव टू एंगेज विद ईच अदर ओके मीनिंगफुल डायलॉग के ऊपर बात करनी है टू रिजोल्व आर बॉर्डर डिस्प्यूट सी वॉर इज नॉट यू नो इन इंटरेस्ट ऑफ आदर चाइना और इंडिया दिस इज द रियलिटी ओके सो मेजरली हमें इस वर्ल्ड को और जस्ट बनाना है इंक्लूसिव बनाना है ओके एंड सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट वो भी करना है सो एज यू नो ट्रंप और वेस्टर्न कंट्रीज की सेंसिटिविटी तो नजर आ गई थी एनवायरमेंट को लेके दे मूव आउट ऑफ द दैट पैरिस डील ओके दिस इज द रियलिटी ठीक है ना तो नाउ इंडिया हैज टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल और साउथ एशियन रीजन के अंदर भी एक तरीके से अच्छे से काम करना पड़ेगा ओके okay? हमारी एक्सेप्टेबिलिटी अगर साउथ एशियन कंट्रीज में ही नहीं है तो यू कांट यू नो एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू रिस्पेक्ट यू okay so first we have to gain respect from our neighbors this is the reality okay sahil you are saying sir why evening session of yojana editorial not continue it will be there don't worry here so i was busy with few things okay so aditi you are saying our foreign minister says uh, from non alignment to multi alignment india has uh, come a long way okay so no see this you have to understand aditi there is a debate also over this so when we you know when we say that we have nam okay

वन एट्टी आई गैस और समथिंग एल्स पी एल एड वन एट्टी दिस वॉज द यू एस गवर्नमेंट्स प्रोग्राम ओके अंडर दिस वी वर गेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम यू एस अब यूएस से ग्रेन्स आ रहे थे हमारे पास ओके अच्छा वेन विट कम्स टू वेपनरी ओके वेपन्स की बात करते हैं तो वी वर गेटिंग वेपन फ्रॉम यू के ठीक है ना उनसे हम वेपन ले रहे थे ओके देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड यू एस एस आर यूएसएसआर के साथ भी हमारे रिलेशन थे सो आवर पॉलिसी वाज सॉर्ट ऑफ यू नो मल्टी अलाइंड तो इट वॉज नॉट नॉन अलाइंड हमारा नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग कभी भी ये नहीं था कि वी आर नॉट एंगेज विद ओके फॉर अस नॉन अलाइनमेंट वॉज वी विल एंगेज विद एवरी वन इज प्रेजेंट इन द पॉलिटिक्स ओके ऐसा नहीं होगा कि हम साइड्स लेंगे वी अवॉइड टेकिंग साइड्स वी अवॉइडेड दैट नो डाउट अबाउट इट बट आर पॉलिसी वॉज स्टिक टू द मल्टीपल एंगेजमेंट्स ओके सो मल्टी अलाइनमेंट दैट यू आर राइट नाउ पास्ट ऑल्सो इट वॉज यू नो मल्टी अलाइनमेंट तो कुछ नया नहीं होने वाला है यहां पर ओके सर वेन विल यू स्टार्ट योर ऑफलाइन क्लास इन चंडीगढ़ ऑफलाइन क्लास विल बी स्टार्टिंग आफ्टर दिवाली ओके पोस्ट दिवाली सी एडमिशन आर ओपन नाउ प्रियंका यस गवर्नेंस सेशन विल बी देयर इन द इवनिंग डोंट वरी टूडे गवर्नेंस सेशन विल बी देयर ओके सो आई विल टेक अप द गवर्नेंसन बिकॉज वो शेड्यूल ऐसा था उसके अंदर वो फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे चल रहा था उसके अंदर ओके सो इट विल भी देर डोंट वरी सो लेट्स यू नो मूव दैन ओकेट्स मूव अड लेट्स डिस्कस दिस वन हाउ नॉलेज इम्पैक्ट सोसाइटी दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड सो दिस विल प्रोवाइड यू द इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर योर एस एके सो मल्टीपल टाइम्स ऑन एस एजुकेशन के ऊपर जो है ऐसे पूछा जाता है ओके सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर योर एस एना एंड इट विल प्रोवाइड युअर सजेशन ऑल्सो लाइक विच कैन बूज्ड इन समदर सर हिंदी मीडियम इज ऑल्सो अवेलेबल देयर हिंदी मीडियम इज डेफिनेटली अवेलेबल देयर वी यूज़ बाय लैंग्वल हमारा बाय लैंग्वल ही चलता है ओके सो अदिति सर एट टाइम वी आर नॉट ओपन टुवर्ड्स अवर रिलेशन विद सम अदर कंट्रीज लाइक इज रेल नाव वी आर ओपन टू एवरी वन एंड वर्ल्ड नोज दैट ओके दिस इज द रियलिटी दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड सो दिस इज कॉल्ड रियलिजम ओके सो so, ये होते हैं रियलिज्म की फिलोसफी एक होता है आइडियलिज्म ठीक है ना सो so, नेहरू जो थे ओके वट ही यूज टू से हिंदी चीनी भाई भाई ओके हिंदी चीनी भाई भाई ठीक है ना आइडियलिस्टिक हम होते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए पूरी दुनिया के अंदर कोई बुरा ना हो ओके okay? पूरी दुनिया में कोई बुरा ना हो एवरीथिंग शुड बी गुड वी हैव टू बी बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड ओके दिस इज द आइडियलिज्म विच यू वांट वर्ल्ड टू बी दिस इज द रियलिज्म ग्राउंड रियलिटी ओके आर देर ऑल पीपल आर गुड इन द सोसाइटी डू वी हैव ऑल कंट्रीज विच आर गुड इन द सोसाइटी गुड इन द जियो पॉलिटिक्स ओके सारे कंट्रीज बहुत अच्छे हैं ठीक है ना किसी की कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है चाइनीज आर रियली गुड पीपल इज दिस इज दिस द रियलिटी ओके सो है पटेल ही वॉज ऑल्सो अवेयर दैट चाइनीज विल बी you know aggressive just after independence because they occupied tibet okay so when they occupied tibet so it was obvious that aapke bhi so at one day you might fight a war with them okay that was a realistic picture so during just after independence our military commanders okay military commanders so, uh, General Karyapa was there, General thamaya was there, okay, remarkable generals. They also stated the particular thing to Nehru. They said that, sir, we have a threat on our borders, okay, you have to work on it. You have to, we have to work on our modernization of military. Multiple suggestions diye gaye de, but he was not ready to listen to them because he was blinded by idealism. Hindi-Chini Bhai Bhai.

पैलेस्टीनियंस यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन पॉपुलेशन दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ गवर्नमेंट आप जो है इलेक्ट होके जाते हो आप पैलेस्टीन के लिए नहीं इलेक्ट होके गए सो एज अ गवर्नमेंट यू हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस एंड फॉर देट वी नीज इजराइल्स हेल्प वट एवर दे आर डूइंग इन दैट रीजन इट्स देर यू नो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओके okay? एंड हमने एक तरीके से पैलेस्टीनियंस का साथ छोड़ा नहीं है वी आर प्रोवाइडिंग दैम द एड एंड ऑल ओके हम उनको फाइनेंशियल एड दे रहे हैं और चीजें एड दे रहे हैं ठीक है ना तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके ये रियलिज्म चलती है दुनिया से सो लेट्स मूव अहेड देन द डिफरेंस इन लेवल ऑफ प्रोस्पैरिटी अक्रॉस नेशंस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ नॉलेज इन दैट सोसाइटी ओके भी उस सोसाइटी में नॉलेज कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी प्रोस्पेरस होगी कि नहीं होगी ओके सो प्रेजेंटली वर्ल्ड ओवर में सर्विस इंडस्ट्री बहुत अच्छे से चल रही है कि नहीं ओके okay. इंडिया की इकोनॉमी सर्विस इंडस्ट्री से चलती है ग्लोबली ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट सर्विस इंडस्ट्री मेजरली जो है वो ऊपर जाती है ठीक है ना मेजर ग्लोबल इकोनॉमी का सर्विस इंडस्ट्री ही स्टेक है ज्यादा ओके okay. अच्छा देन इसके अंदर बात क्या है दिस इज हाईली स्किल इंटेंसिव ओके तो जिसके पास स्किल है उसके पास तो जॉब है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर स्किल इंटेंसिव है ये ओके एंड वेर डू यू गेट द स्किल आपको स्किल कहां से मिलता है आपको स्किल मिलेगा इफ यू हैव द नॉलेज ओके दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड जहां पे नॉलेज होगी वहां पे स्किल होगा नो डाउट अबाउट इट ये कहानी है आपकी प्रेजेंट जॉब एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट और वो सारी चीजें ठीक है ना सो अब आप देखें इसके अंदर वट शी इज ट्राइंग टू से ओके दिस एडिटोरियल हैज इन पब्लिश इन योर फाइनेंशियल एक्सप्रेस सो दे आर सेइंग दैट नेशनल प्रोस्पेरिटी इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन द कंट्री अडोप्ट ओके बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पॉपुलेशन ओके एजुकेटेड पॉपुलेशन दे विल बी दान विल बी फॉर्मिंग द लेबर पूल ओके exactly वही जो है लेबर पूल बनाएंगे आपकी एजुकेटेड पॉपुलेशन ही होगी वही जो आके लेबर में काम करेंगे ओके देन दे विल डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी वही जो है एक अच्छी सिविल सोसाइटी भी बनाएंगे इफ यूर सिटीजनरी इज इन्फॉर्म्ड सो डेफिनेटली इट फॉर्म इट विल फॉर्म अ गुड सिविल सोसाइटी ओके अच्छी सिविल सोसाइटी बनाएंगे दे विल डिमांड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एन ऑल प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे क्या डिमांड होती है लाइक वी हैव अ कॉम्युनल डिमांड्स ना कॉम्यूनल डिमांड होती है हमारे यहाँ पे ओके सो एजुकेशन को लेके कोई मूवमेंट ऐसा स्टार्ट नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई मूवमेंट ऐसा स्टार्ट नहीं होता था थिंक अबाउट ए सीचुएशन दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री और यू कैन से दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन को हम हमें और लाइब्रेरीज चाहिए पब्लिक लाइब्रेरीज चाहिए उसको लेके कभी भी जो है हम कभी भी हाईवे जाम नहीं करते ओके दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड सो कभी आपने सुना है किसी स्टेट के अंदर कि हमने जो है ट्रैफिक रोक दिया क्योंकि स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग लाइब्रेरी लाइक ऐसा कुछ सुना है आपने स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग पब्लिक लाइब्रेरी उस लिए उन्होंने ट्रैफिक चक्का जाम कर दिया किस लिए हमारे यहाँ पे जाम होता है ओके तो ये आपको समझना पड़ेगा तो जब इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी होते हैं तो डेफिनेटली आपकी डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेकर बढ़ जाती है सो नाउ शी हैज गिवन एस एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगापुर ओके वाई सिंगापुर इज नंबर वन इन मैनी इंडेक्सेज बिकॉज दे प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन अपने सिटीजन को क्वालिटी एजुकेशन वो दे रहे हैं ओके एंड देयर क्लासेज आर यू नो फोकस्ड ऑन टीचिंग द स्टूडेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड सब्जेक्ट्स सो इन आर क्लासरूम लाइक हमें क्या सिखाया जाता है ओके सो प्रेजेंटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज ओके उसके अंदर सिलेबस वही है मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज द सेम विच यू हैव रेड इन योर एनसी स्कूल्स ठीक है ना बेसिक आपने स्कूल्स में पढ़ के आए हो आप लोग फ्रॉम सिक्स टू ट्वेल्थ यू हैव टू कवर योर एनसीआर ओके बट पीपल आर टेकिंग यू नो कोचिंग फॉर दैट वो बेसिकली वो आपका इतना अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपने अच्छे से सीख लिया होना चाहिए दिस वॉज द यू नो रिक्वायर्ड फ्रॉम यू बट आर टीचिंग मेथड आर यू नो स्कूल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली ंग रोट लर्निंग विट वी कॉल ओके उस पर सब कुछ बेस्ड है हमारी एनालिटिकल एबिलिटी और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी जिसका हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर वो हमें सिखाया ही नहीं जाता ओके सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको बाद में आके पता लगता है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों फॉलो करनी चाहिए टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर सुपरस्टिशन छोड़ने के लिए वो तो आपको सिक्स सेवंथ में पढ़ा दिया था ओके okay? फिर आप दोबारा आके क्यों वो पढ़ रहे हो

अच्छा नेशन कॉम्पिटेटिवनेस डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ इट्स इंडस्ट्री टू इनोवेट एंड अपग्रेड एंड अगेन एज आई टोल्ड यू कि इनोवेशन ओके इनोवेशन के लिए आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए विदाउट नॉलेज इनोवेशन इज नॉट पॉसिबल वो बिल्कुल ही एकदम से आपको समझना पड़ेगा ठीक है ना अच्छा देन द डिफ्रेंसिस इन लेवल ऑफ प्रोस्पैरिटी अक्रॉस द नेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट सोसाइटी होल्ड्स प्रोस्पैरिटी जो होगी वो उस पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट द सोसाइटी होल्ड नाउ हाउ दिस इज रिलेटेड टू योर सोशल सेक्टर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके इफ मदर इज एजुकेटेड अगर मदर एजुकेटेड है ओके सो शी विल बी यू नो लाइक टेकिंग केयर ऑफ हर हेल्थ ओके उनकी हेल्थ अच्छी होगी ठीक है ना देन उनके बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी ओके लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो शी विल बी अवेयर अबाउट हर हेल्थ एंड ऑल ओके प्रेगनेंसी में अच्छी होगी तो चाइल्ड जो होगा वो हेल्दी पैदा होगा ओके okay, उसकी हेल्थ होगी देन फिर आपका आता है ड्यूरिंग फाइव इयर्स और उसके आसपास का जो टाइम होता है जिसके अंदर आपकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की ओके okay? वो अच्छे से होगी शी विल बी एबल टू लुक आफ्टर द एजुकेशन ऑफ हर चाइल्ड ओके सो शी विल बी एबल टू टेक इंफॉर्म डिसीजन इन हर लाइफ विज वी फैमिली प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे ठीक है ना सो so, इतनी छोटी सी चीज है बट इसका जो इंपैक्ट है दैट इज रिमार्केबल ओके और ये अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपको विजिबल होगा ठीक है देन इफ यू हैव अ हेल्दी एंड एजुकेटेड सिटीजनरी रिओवियसली आपकी वर्कफोर्स भी इफेक्टिव हो जाएगी ओके सो नाउ दे आर सेइंग दैट कंट्रीज हुज इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज ग्रेटर आर एक्सीलेंट एट कलेक्टिव नॉलेज तो यहां पर कलेक्टिव नॉलेज की भी बात आती है ओके एज अ सोसाइटी आप कितनी अच्छी सोसाइटी हो मीन्स डू यू हैव अ साइंटिफिक टेम्पर ओके या फिर अभी भी आप विच क्राफ्ट कर रहे हो वो जो है आपकी कलेक्टिव नॉलेज दिखाता है ठीक है ना कि कलेक्टिवली आपकी सोसाइटी कैसी है ओके सो नॉलेज रिप्रेजेंट अ फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट दिस इज द रियलिटी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का एक फैक्टर जो है आपकी नॉलेज बताती है कलेक्टिव नॉलेज ओके ये आपको समझना पड़ेगा अच्छा सो कलेक्टिव नॉलेज रेफर्स टू द वे इन विच नॉलेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शेयर्ड अमंग द सिटीजन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री सो प्रेजेंटली आर स्कूलिंग सिस्टम इफ़ वी टॉक अबाउट आर स्कूलिंग सिस्टम ओके हमारा स्कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं ठीक है ना सो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर हमने जो है क्वांटिटी uh, की बात करें हम ओके सो क्वांटिटी के अंदर वी हैव यू नो सफिशंट नंबर ऑफ स्कूल ओके क्वांटिटी वाइज बट वी आर स्टिल लैगिंग इन क्वालिटी ओके एज पर द ए एस ई आर रिपोर्ट ठीक है ना ये मल्टीपल टाइम्स ए एस ई आर रिपोर्ट आएगी जो कहेगी योर फिफ्थ क्लास स्टूडेंट ओके फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज नॉट एबल टू रीड द बुक्स ऑफ क्लास टू दिस इज द रियलिटी ऐसी सिचुएशन है हमारे यहां पे सो नाउ थिंक अबाउट द क्वालिटी दैट आर यू नो स्कूल चिल्ड्रन एंड ऑल दोज आर गेटिंग ओके तो वहां पर हमें काम करने की जरूरत है देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली एंड कल्चरली ऑल्सो ठीक है ना तो इसलिए जो है आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओके अच्छा अब आपको एक चीज समझनी है कि कंपनीज जो है ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है ना कंपनीज की बात करें प्रॉफिट मेकिंग की बात करें ओके सो दे नीड इनोवेशन अब इनोवेशन के लिए यू नीड थिंकिंग माइंड ठीक है थिंकिंग माइंड उसी का ही होगा जिसके पास नॉलेज होगी ओके टे माइंड थिंकिंग माइंड तो अगेन नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर नो कैपिटलिस्ट इनोवेशन एंड ऑल ओके अच्छा अब ये जो इनोवेशन है प्रोडक्शन प्रोसेसिस में हो सकती है सप्लाई चेन में हो सकती है ट्रेनिंग में हो सकती है डेवलपमेंट में हो सकती है ओके एंड अगेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो है जो ये तो देती ही देती है अगर आपका जो वर्कफोर्स है वो एजुकेटेड है तो. तो ये आपको समझना है ओके okay? पेट्री अच्छा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द इनोवेशन ऑलवेज इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन स्किल एंड नॉलेज नाउ वट डज इट मीन इट मीन्स दैट वी हैव टू इंक्रीज आर एजुकेशन बजट ओके हमें अपना एजुकेशन बजट बढ़ाना पड़ेगा इस कंट्री का अदरवाइज चीजें बदलने वाली नहीं है वी आर फार बिहाइंड द अदर कंट्रीज यूएस की बात करो आप इसराइल की बात करो आप यूएस जापान की बात करो ओके पिकअप एनी कंट्री सो वी आर फार बिहाइंड दैम ओके हम उनसे बहुत पीछे हैं एजुकेशन स्पेंडिंग को लेके सो नाउ दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ जापान सो व्हाई जापान जो है वो इतना अच्छा है रैंक्स नंबर वन इन इनोवेशन बिकॉज दे हैव अ प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सिस्टम ओके एजुकेशनल सिस्टम इतना जबरदस्त है वहां पे ठीक no है ना नो डाउट जीरो इलिटरेसी है उधर बहुत बत, अच्छे से काम होता है ठीक है ना अच्छा अब आप ये देख रहे हो कि उनको सिखाया क्या जाता है वहां पे ओके वोकेशनल ट्रेनिंग इन देर एजुकेशन सिस्टम दे सिस्टम हैल ट्रेनिंग ओके वो उनको दी जाती है कि आप जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं उसको यूज कैसे करना है तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे स्टार्ट कर रही है बट दे आर नॉट दैट इफेक्टिव अभी तक नहीं हुआ पाया इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ है ओके okay? अच्छा तो ये इन्होंने बताया और मल्टीपल सिस्टम ऐसे बताया कि वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ओके सो अगेन ये कह रहे हैं कि इट मींस अ न्यू सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न सोशल चेंज पुस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन विल बी फॉर्म ओके सो एजुकेशन इज नॉट कन्फाइंड टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर यू नो इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड यू विल बी एबल टू हैंडल यूर इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन अगर आपको लॉस भी हो जाएगा ना तब भी आप जो है हिम्मत नहीं हारोगे ओके okay? ये आपको समझना है यू विल बी एबल टू फाइंड सम बेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ये आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी ठीक है ना देन फॉर योर पर्सनल ग्रोथ क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस पार्टिसिपेशन इन जनरेटिंग नॉलेज ऑल्सो सो इफ यू विल प्रोजेस नॉलेज देन यू विल शेयर नॉलेज ओके जब अगर आपके पास नॉलेज होगी वही आप शेयर करोगे एंड वहां से ही जो है आप जो नॉलेज को जनरेट करोगे ये आपको समझना है ओके सो नॉलेज मेजर रोल प्ले करती है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट एंड स्पेशली दिस कलेक्टिव नॉलेज और उसके लिए हमें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा तीन चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली है ठीक है ना इतने आसान से बात नहीं बनेगी इसको आगे लेके जाना पड़ेगा ही पड़ेगा ओके okay? सो so उसके लिए वर्ट शी इज सेंग दैट क्वालिटी एजुकेशन इज मस्ट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशन तो ह्यूमन रिसोर्स आपका अच्छा होना चाहिए नाउ व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिसोर्स ओके सो एजुकेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट ठीक है ना एजुकेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट व्हेन यू कम व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स फॉर दैट हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओके सैंड फॉर हेल्थ यू हैव टू हैव पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट ओके तो आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री होना चाहिए यू नीड टू हैव गुड मेडिकल फैसिलिटी ठीक है ना मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए ओके okay? ये सारी चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है तो यू आर स्पेंडिंग इफ यू आर स्पेंडिंग ओनली ऑन एजुकेशन सेक्टर नॉट ऑन योर हेल्थ सेक्टर देन अगेन इट विल बी लेस इफेक्टिव ओके इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन योर यू नो एजुकेशन सेक्टर एंड नॉट टेकिंग नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन हेल्थ सेक्टर देन अगेन थिंग्स विल नॉट इंप्रूव इन योर यू नो सोसाइटी तो दिस इज द रियलिटी एंड थिंग्स आर इंटर रिलेटेड ओके तो उसके लिए आपको बहुत ही इनोवेटिव तरीके से सोचना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ठीक है ना सो दिस इज वॉट शी हैज सजेस्टेड दैट वी नीड टू हैव अ क्वालिटी एजुकेशन देखो अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट भी चाहते हैं ओके सो कोमल यू द प्रीलिम्स के लिए 2021 की क्लासेस स्टार्ट कब होंगी सो लाइक वी हैव प्रोवाइडेड यू द नंबर सो यू कैन कॉल ऑन आर डेस्क ओके सो so, वो आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे अनर यू सिंह मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डूइंग गुड आर पीपल हैव मोर एजुकेटेड पॉपुलशन येस नो डाउट अबाउट इट ओके नो डाउट अबाउट इट एजुकेशन डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सदरन स्टेट्स आर यू नो लाइक अड ऑफ रेस्ट अदर्स एंड बिकॉज एजुकेशन लेवल प्ले एज अम्पॉर्टेंट रोल ओके वो एक मेजर रोल वहां पर प्ले कर रहा है ठीक है न सो लेट्स एंड दिस सेशन नाउ ओके बिकॉज अभी इतना ही आया था सो आई हैव कवर्ड डिफरेंट डिफरेंट ट्राइड टू कवर डिफरेंट थिंग्स ओके बिकॉज टुडे द हिंदू इज़ नॉट देयर क्योंकि वो नहीं छुट्टी बना रहे होते हैं वो ठीक है ना सो वी समहाउ मैनेज इट बिकॉज सेशन वॉज इम्पोर्टेंट ओके कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए एनी हाउ सो लाइक इफ यू हैव एनी डाउट आई कैन एड्रेस दैट ओके सो अगर आपका कोई डाउट होगा तो मैं उसको भी एड्रेस कर दूँगा ठीक है न एंड uh, ये आपको समझना पड़ेगा ओके okay? तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं देर विल बी लैग ओके कुछ ना कुछ लैग तो होता ही है ठीक है तो मैं अभी आपकी वेट करता हूँ थोड़ा बहुत ठीक है ना सो so, इससे पहले जो है लाइक सम वन आर्स्क अबाउट द फोलिएज ओके सो किसी ने पूछा फोलिएज क्या होता है तो फोलीज बेसिकली प्लांट्स लीव्स को बोल देते हैं ठीक है ना जो प्लांट्स का कचरा होता है उसको ओके सो मधु यू आर सिंग हाउ टू चूज ऑप्शनल सर सी मधु दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड choosing an optional okay so optional depends upon the utility okay utility plus interest ठीक है कि आपका optional कितनी आपकी help करता है so this you have to understand अच्छा अब अब आपको ये एक चीज समझनी है कि when it comes to utility कि आप कि ऑप्शनल की यूजेज सिर्फ ऑप्शनल तक कन्फाइंड है या फिर विल यू बी एबल टू यूज दैट नॉलेज इन योर जी एस मेन्स ऑल्सो ओके सो मल्टी यूटिलिटी आपको समझनी पड़ती है देन अदर थिंग इज दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको वो पढ़ने में मज़ा कितना आएगा इफ़ यू आर नॉट इंजॉइंग योर ऑप्शनल देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर मार्क्स ओके बिकॉज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड प्रैक्टिकल इन मोस्ट ऑफ द ऑप्शन ऐसे आपको समझना पड़ेगा तो ऐसे आप डिसाइड कर दिए अदर देन दैट यूर यू नो बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या है आपका सपोज लाइक इफ़ यूर यू नो आट्स इफ यू हैव आर्ट्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड है लाइक सपोज आई वॉज एन इंजीनियर ओके मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट था ठीक है ना सो so, वो भी जो है डिसाइड करता है सो माई यू नो मेथड वॉज प्रैक्टिकल आस्पेक्ट मीन्स आई वॉज अवेयर अबाउट द यूटिलिटी प्लस द इंटरेस्ट इंटरेस्ट इन द सेंस आई वॉज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओके मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था देट्स वाई आई चोज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज माई ऑप्शन ठीक है ना तो पबेड मेरा ऑप्शनल था ओके तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करते हो ठीक है सो ओके पी डी एफ विल बी अवेलेबल ऑन योर टेलीग्राम पेज ओके डोंट वरी सो आयशा हाउ कैन वी मेक प्रॉपर करंट अफेयर नोट्स वट कैन वी यूज टू बोथ प्री एंड विल बी एबल टू मेक योर नोट्स आउट ऑफ इट उससे आप अपने नोट्स अच्छे बनाओगे ओके दिस इज द वे आउट ठीक है ना एंड फॉर मेन्स थिंग्स आर अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्लस

सो सपोज लाइक आई एम स्टेइंग इन पंचकूला चंडीगढ़ सो इफ़ यू आस्क मी दैट वी कैन हैव अ मेट्रो फॉर चंडीगढ़ पंचकूला तो यहाँ पर जो ट्रैफिक जैम लगता है वो दिन के अंदर सिर्फ तीन घंटे के अंदर ट्रैफिक जैम लगता है एंड पीपल विल नॉट यू नो वो अभी भी फिर जो है वो मेट्रो यूज़ नहीं करेंगे ओके सो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगी वहाँ पे गुरुग्राम में इकोनॉमिकली वायबल नहीं हुई तो चंडीगढ़ में कैसे हो जाएगी ठीक है ना दिस इज़ द रियलिटी सो यूर सजेशन शुद भी शुड भी जो है वो थोड़ा अच्छे से होना चाहिए ओके ये आपको थोड़ी बातें समझनी है सो ओके एचपीएस यू आर अ बिगिनर यू आर अ बिगिनर कैन यू पुट सम लाइट ऑन कॉम्पिटिशन इन यूपीएससी ओके यू वॉन्ट टू नो अबाउट द कॉम्पिटिशन इन ओके ओके लेट मी टेल यू अबाउट द कॉम्पिटिशन सो सपोज दे आर सेवन सेवन सेवनटी सीट्स ओके सो नियर अबाउट टेन थाउजेंड पीपल विल बी एबल टू क्लियर योर प्रेलम्स ओके And uh, these people will write their mains exam, and out of them, 2100 will be called for interview. Okay, and out of them, 770 will be commissioned finally. Okay, this is the thing. Then you have to understand this thing. So, suppose if you are appearing in 2021, then you will be competing with लेक्टेड कैंडिडेट्स ओके यहां पर मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रोम ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी नाइनटीन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी ओके वाई सो बिकॉज ऑल ऑफ दैम वॉन्ट्स टू बी एन आई ए एस ऑफिसर और सबके कहीं ना कहीं अटैम्प्ट बचे होंगे ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सो दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड दे नो हाउ टू राइट एन आंसर एन ऑल ओके सो दे आर योर कॉम्पिटिशन एंड देयर नंबर विल बी फेयरली इफ आई टॉक अबाउट 600 if I am not wrong, 600 to 800 people. Okay. So their number will be there. Sufficient number of people will rewrite this exam. This is the reality. Okay. Acha. Then you have those people who have written who have given interviews. Okay. Multiple times interviews. So fairly 800 to 1000.

Fairly at 6000, near about okay. So, 4000 to 6000, those people who have written multiple mains, who have qualified prelims multiple times, okay. So, they are your competition, they are your direct competition, okay. So, this is the level of competition, and this you have to understand without hard work, without hard work and smart work, okay. Hard work and smart work, you cannot beat them. बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट यू नो वर्ट बुक्स वी हैव टू फॉलो दे हैव रेड दोज बुक मल्टीपल टाइम्स उनको रटी हुई होंगी वो बुक्स ठीक है ना सो यू हैव टू भी स्मार्ट ओके तो ये आपको करना पड़ेगा देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम अदरवाइज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव टू भी रियलिस्टिक ओके सो रियल पिक्चर ये है एग्जाम की तो इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द रियल पिक्चर ऑफ दिस एग्जाम फिर आप अपनी अब स्टडी करो अब आप आ जाओ मैदान में ओके okay? हार्डवर्क करो टाइम पास इस पेपर में, में चलता नहीं है सी दिस इज अ पर्सनैलिटी बिल्डिंग एग्जाम दिस इज वॉट आई टॉक अबाउट ओके तो ये पर्सनैलिटी बिल्डिंग है ठीक है ना अच्छा अब आपको देखना है कि पर्सनैलिटी बिल्डिंग कैसे है सपोज यू हैव टू शो ओके यू हैव टू शो परसिस्टेंस ऑल्सो ओके सो ये आपको समझना है ठीक है ना अच्छा सर आर यू सिलेक्टेड इन यू पी एस सी नो आई एम नॉट सिलेक्टेड ठीक है ना सो so, परसिस्टेंस आपको दिखानी है पर्सनैलिटी के अंदर सो सपोज इफ यू आर पोस्टेड एज ए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ठीक है सो so, अब आपको पता लगा कि कॉम्यूनल टेंशन कहीं पे होने वाली है तो so, आप अपनी फैमिली के साथ थिएटर में मूवी देख रहे हो सो कैन यू यू नो टेल योर यू नो अगर आपके पास इमीडिएटली कॉल आता है आप ये बोलोगे क्या कि सर मैं मैं तो पिक्चर देख रहा हूँ अभी ठीक है ना सो यू हैव टू बी यू नो लाइक परसिस्टेंट इन योर एफर्टर्ट बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब ओके ये पिक्चर आपको समझनी पड़ेगी ठीक है ना तभी आप आगे बढ़ पाओगे अदरवाइज चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं यहाँ पे ओके okay? सो so ये रियल पिक्चर है थोड़ी एग्जाम की अब आपको पता लग गया कैसे करना है आपको ओके सो दिस इज द थिंग सो सर हाउ टू प्रिपेयर कोटेशन फॉर एथिक्स ओके कोटेशन फॉर एथिक्स अब मल्टीपल जो लोग आते हैं उनकी कोटेशंस आती हैं एथिक्स के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी यू नो यू हैव टू थिंक क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी कितनी है आपकी उसके अंदर ओके सो कोटेशन हमने पहले रीड ना भी कर रखी हो नो डाउट अबाउट इट आप उसके अंदर वर्ड्स को पिक करें ओके यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड्स ठीक है ना थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको वर्ड्स की होगी ओके okay? देन जो जिस पर्सन की वो कोटेशन है सपोज एपीजे अब्दुल कलाम ओके नाउ यू आर अवेयर अबाउट हिज पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी की आप के बारे में जा, आपको जानकारी होगी ठीक है ना कि वो कैसे सोचते थे वट वॉज हिज वे ऑफ की वर्किंग एंड ऑल ओके ये आपको पता लग गया था था ठीक है ना अच्छा अब आपको ये समझना है कि इतनी पर्सनैलिटी पता लग गई अब आप उस स्टेटमेंट को उनकी पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान लगाते हुए बताओ कि वो आप कैसे यूज करोगे ओके वहां से थोड़ा सिस्टम बना के आपको अब करना होता है ठीक है ना तो इमीजिएटली वहां पे आपको सोचना पड़ेगा पेपर के अंदर विच इज डिफिकल्ट नो डाउट अबाउट इट इसीलिए थोड़ा माइंड भी आप एथिकल पहले से ही हो जाओ देन डायरेक्टली आपका आंसर एथिकल निकलेगा प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा ओके ये सो हिंदी लिटरेचर कैसे होगा हिंदी लिटरेचर हिंदी लिटरेचर हर्षवर्धन सिंह जी हमारे यहां पे नहीं होगा ओके हिंदी लिटरेचर के लिए आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी जो हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हो ओके सो ओके आई गेस आई हैव एड्रेस योर डाउट्स सो शुड बी एंड द सेशन नाउ ओके सो लेट्स एंड दिस सेशन सो अच्छे से पढ़ते रहें ओके नाइस डे बाय बाय